Hey guys everyone, this is Vikram Singh. This is Vivek Singh. Welcome back to our channel. और आज हम जिस movie का trailer reaction देने जा रहे हैं वो है Batla House, जिसमें main leads में John Abraham और जिसे direct किया गया Nikkhil Advani ने. Nikkhil Advani ने इससे पहले भी बहुत stylish movies direct की है, जिसमें से D-Day मेरी बहुत favorite movie थी. Under Spy और इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत ही fantastic grip उसमें पकड़ी थी. And this is based on real incident. तो कुछ information है जो हम आपको देना चाहते हैं, जिससे आपका सब clear हो जाए कि what exactly Batla House ऑपरेशन वॉज. क्योंकि हम जब ये ऑपरेशन हुआ था तब हम लोग बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारा काम है और हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो Batla House एनकाउंटर को Batla House ऑपरेशन नाम दिया गया था, और ये ऑपरेशन हुआ था दिल्ली के जामिया नगर में 19 सितंबर 2008 को. पांच टेररिस्ट जो इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के में इन्वॉल्व थे उन लोगों के खिलाफ था. तो पांच टेररिस्ट के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया, एनकाउंटर किया गया, जिसमें से दो टेररिस्ट को मार गिराया था, जिसमें उसका नाम था आतिफ अमन और मोहम्मद साजिद. ये दोनों को मार गिराया गया था. दो लोगों को अरेस्ट किया था जिनका नाम है मोहम्मद सैफ और जिशान, जिन्हें अरेस्ट किया गया था, और एक भाग खड़ा हुआ जिसका नाम था आरिस खान. तो आतिफ अमीन ये एक चीफ बॉम्बार्डर था जिसने 2007 से लेकर 2009 के बीच में बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, फैजाबाद, इन अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और आतंक फैलाया था. दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के अंडर ये ऑपरेशन किया गया था. तो जो दो टेररिस्ट मरे थे उनको तो मौत के घाट उतार ही दिया था, लेकिन बाकी के दो जो मतलब जिनको अरेस्ट किया गया था, तो उनके खिलाफ 15 फरवरी 2011 एडिशनल सेशन जज अजय कुमार ने अलग अलग चार्जेस उनके ऊपर दायर किए. सबसे पहला चार्ज था ऑफेंस मर्डर सेक्शन 302, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 333 कॉजिंग हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 353 असॉल्ट टू पब्लिक सर्वेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, सेक्शन 201 एविडेंस डिसअपीयरेंस कॉजिंग, उसके साथ सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट फॉर हिज रोल इन एनकाउंटर. ऐसे अलग अलग सेक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किए गए थे, उनको सजा दिया गया था. तो खैर ये तो था कि ये ऑपरेशन हुआ किस लिए था और उसका कंक्लूजन क्या था, कितने मरे गए, ये सब ये इन्फॉर्मेशन है. लेकिन ये ऑपरेशन क्यों करना पड़ा और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके बाद फेस किए गए, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं. Well, सबसे पहले ऑपरेशन हुआ कैसे ये सब इसके बैकग्राउंड हम आपको बता दें. तो वो तारीख याद होगी आपको, 13 सितंबर 2008, जब दिल्ली के अलग अलग विस्तार पर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 100 लोग घायल हुए थे. ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ही सीरियस था और बहुत ही खतरनाक था. वेल, दिल्ली पुलिस इसकी तहकीकात पर शुरू भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन सभी न्यूज चैनल्स को एक ईमेल आया था विद 13 अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. और उन्होंने ये भी कहा था कि हम दिल्ली में एक और बड़ा ब्लास्ट करेंगे, एक और बड़ा हम अपना दहशत फैलाएंगे. और लास्ट में उन्होंने कुछ वर्ड लिखे थे, रोक सको से रोक लो. यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये ओपन इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा चुनौती भी थी, जिसे पार करना बहुत जरूरी था. तो ये जो 13 डॉक्यूमेंट्स थे और ईमेल लेकर IB, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने ये सब लेकर हमारे जो दिल्ली के पूर्व एडिशनल जॉइंट कमिश्नर मिस्टर करनाल सिंह के पास गए, और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो भी चीज है ये हम IB से करेंगे कंप्लीट. तो कमिश्नर साहब ने कैसे भी करके रिक्वेस्ट किया कि हम इसे पूरा करेंगे ऑपरेशन की तहत, और वो मान भी गए, लेकिन उन्हें सिर्फ बहुत कम टाइम मिला था, 7 दिन का टाइम मिला था. 7 दिन के अंदर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था. बराबर. और ये बड़ा ऑपरेशन था, टाइम कम और काम बहुत बड़ा था. तो इसके लिए ऐसी छोटी मोटी टीम तो चलेगी नहीं, इसलिए एक बहुत बड़े टीम की जरूरत थी, ओपेस टीम की, और जिसे हैंडल करने के लिए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को नियुक्त किया गया था. मोहन चंद शर्मा, जिनका रिकॉर्ड्स बहुत ही क्लीन और बेस्ट रिकॉर्ड्स थे, अपने रिकॉर्ड के टाइम उन्होंने 42 साल की उम्र में उन्होंने अब तक के रिकॉर्ड्स में किए थे 35 टेररिस्ट को मारा था और 80 टेररिस्ट को उन्होंने गिरफ्तार करवाया था. वेल, मोहन चंद शर्मा के लिए बहुत बड़ा मिशन था, और ये वो टाइम आ ही गया था, D-Day जिसे हम कहते हैं, वो दिन आ ही गया था 19 सितंबर 2008, ऑपरेशन का दिन. वेल, मोहन चंद शर्मा ऑपरेशन करने के साथ एक झिझकता भी थी उनके अंदर, बिकॉज उनका बेटा ICU में था, बहुत सीरियस कंडीशन में था, लेकिन उनके लिए ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो पांच टेररिस्ट कुछ भी करे इससे पहले वो उन्हें पहुंच जाए उन तक. तो इन्फॉर्मेशन ये थी, सुबह को मिली थी उन्हें, कि उन्हें ये पता चल सा L18 Batla House में ये लोग थे, टेररिस्ट छुपे हुए थे,
तो सुबह को ये लोग 10:30 बजे उस जगह पहुंचे और बाटला हाउस का जो आपको स्ट्रक्चर बता दे वो 4 फ्लोर्स के थे, 4 फ्लोर के टेररिस्ट सेकंड फ्लोर पे थे बिल्कुल, और सेवन लोगों की टीम थी जिनको लीड कर रहे थे ऑफकोर्स इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। तो इन लोगों ने कवर करते करते ये लोग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए थे और सेकंड फ्लोर पर ही इन पर अटैक किया गया गन्स के साथ, और पहला ही बुलेट मोहन चंद शर्मा सर को लगा और जिससे उन्हें काफी इंजरी पहुंची। लेकिन उन्हें बाद में ये पता चला कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना नहीं, बाद में रियलाइज फ्लो में ऊपर पहुंच गए थे और ब्लीडिंग्स भी काफी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत न हारते हुए अंदर घुस के दो टेररिस्ट को मार गिराया, अजीत अमीन जिनका नाम इन्होंने लिया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल तो गया, लेकिन इस ऑपरेशन में कैजुअलिटी ये थी कि 3 लोग घायल, एक मोहनचंद शर्मा जी तो घायल थे ही, लेकिन साथ ही साथ 2 हेड कांस्टेबल मिस्टर बलवंत एंड रणवीर सिंह, ये तीनों घायल थे और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से मोहनचंद शर्मा जी जो थे वो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। उनके जब आखिरी सांस खत्म हुई तो एक शब्द निकला पुलिस लोग से कि वी हैव लॉस्ट आवर बेस्ट मैन। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, प्रॉब्लम की सबसे बड़ी बात पता है, इस ऑपरेशन के बाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज बीएसपी में हम लोग ओपन होंगे, बीएसपी कांग्रेस इन सब के पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। इतनी मेहनत के बावजूद भी जहां अप्रिसिएशन मिलना चाहिए लोगों को, वहां पर फर्जी एनकाउंटर कहके इसे एक फर्जी और कह सकते हैं कि टेररिस्ट के नाम पे कुछ चंद स्टूडेंट के नाम मासूम को मार दिया गया, इस चीज पे उनका बहुत ही इनका आलोचना की गई थी। यहां तक जो भी इन ऑपरेशन से जुड़े हुए थे उनकी नौकरी तक दाव पे आ गई थी, जहां पर उनको मेडल मिलना चाहिए था वहां पर उनका ये हाल हुआ था। यूएन ने इंक्वायरी बिठाई और विद इन वन मंथ के अंदर ये इंक्वायरी तो बिठाई थी, लेकिन 30 दिन में उन्हें पता चला। और ये किसने इंक्वायरी बिठाई थी? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई और विद इन वन मंथ के अंदर उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा था कि ये एक ट्रू और ये परफेक्ट एनकाउंटर था और ये कोई फर्जी ऑपरेशन नहीं था ना, इसमें कोई इनकी आंतरिक फायदे तक नहीं थे। लेकिन एक महीने के अंदर उन्होंने क्या फेस किया होगा तो वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि इतना एक्यूजेशन हुआ था उनके ऊपर ये हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर एक समाज खड़ा हो गया था उनके खिलाफ। तो ये थे विक्रम के मतलब जो यूथ होते हैं वो लोग ज्यादा इसे फर्जी मान रहे हैं, फर्जी ऑपरेशन। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी सोनिया गांधी का तो इस बार में कहते हैं कि उनको रोना आ गया इसके लिए, मतलब जहां पर उन्हें वीरगति प्राप्त हुए मोहन चंद के लिए रोना चाहिए था वो उन टेररिस्ट के लिए रो रहे थे जिनको स्टूडेंट ग्लोरीफाई किया गया, स्टूडेंट उन्हें बताया गया था। तो खैर ये तो एक रियल इंसिडेंट है और ये मूवी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें कितना उन्होंने पिक्चराइज किया और कितना उन्होंने अडॉप्ट किया है ये तो ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के ट्रेलर देखते उसके बाद सारी बातें। ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरसाने के नहीं। सभी के सभी बेकसूर विद्यार्थी थे और वो एक फर्जी एनकाउंटर था। बेकसूर विद्यार्थी अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है। संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर। केके को गोली कैसे लगी? उन लड़कों ने मारी। Why are you asking me that? जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? हाँ। बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का मैंने, बेकसूर नहीं का। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आईएम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंस मेडल दिया जाए। केस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल, सरकार गिर सकती है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। दिल्ली से ऑर्डर आया है। कम से कम यहाँ तो सच बताइए। किसे सच सुनना है आपको? एक पुलिस वाले से? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आपने? आपका सच और मेरा सच एक कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग। सस्पेंड होने के बस इतना करीब हो तो मैं इस केस से जुड़े एक एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊंगा।
चले? कहाँ? जीप में। इज्जत, फर्ज, देश सब एक चुटकी में धुआं। ऐसे वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर, और धुआं आप सबको सच देखने से रोक रहा है। Nothing is great than you know, Indian flag. Nothing is great than that. And nothing is worst. जब आपसे क्वेश्चन किया जाए जो आपने किया वो सही था या गलत था। मैंने जैसे हम लोगों ने कहा कि काफी लोगों ने अक्यूज किया था कि ये सिर्फ चंद प्रश्न कौन कर रहा है, प्रश्न कौन कर रहा है जिन्होंने कभी ऑपरेशन किया नहीं ना फिर कभी। हाँ, मतलब ये जैसे हमने अपने इन्फॉर्मेशन में भी कहा कि इन्हें स्टूडेंट्स की तरह से कैटेगराइज करने में आया था। खैर, ये ट्रेलर देखने के बाद पता चला ये थोड़ा अलग इन्होंने हटके बनाया है, और इसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था ये उन्होंने ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया, नॉट अबाउट मतलब हाउ इट हैपेंड, वो जरूरी था, वो भी है आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, तो मतलब ये नाटकीय रूपांतर ही अल्टीमेटली, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया वो अगर आप रियल में सुनेंगे, एक और पेज है अपना द लिबरल हिंदू, उन्होंने भी ये किया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। You will feel like मतलब ये जरूरी नहीं था ये होना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किया गया उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के वीरता के ऊपर क्वेश्चन किया गया। ये तो हम और आप जाके अब डिसाइड करेंगे कि 15 अगस्त 2019 को के बाटला हाउस ऑपरेशन फर्जी था या सही था, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ट्रेलर को देखिएगा, ट्रेलर को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, बिकॉज दे डिजर्व रिस्पेक्ट। और रही बात इसकी टीम की बात के, डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक टीम। जॉन अब्राहम ने काफी साल से मतलब बहुत फैंटास्टिक रियल इंसिडेंट प्रोडक्शंस में कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत बहुत प्रोडक्शन में कंटेंट अच्छा आता है, और ये भी कंटेंट बहुत बढ़िया है। एंड निखिल अडवाणी, व्हेन वी टॉक अबाउट निखिल अडवाणी, डीडे कितनी फैंटास्टिक उन्होंने डायरेक्ट की थी, और इसमें मैं मेन डायरेक्शन को ही देखने वाला हूँ क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, सो लेट्स सी कि किस तरह से उसे जस्टिफाई और ग्लोरीफाई किया गया है। तो ऑल इन ऑल जॉन अब्राहम वर्क इज एब्सोल्युटली ग्रेट, परमाणु के बाद से मुझे ज्यादा ही पसंद आने लगे थे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वेर वी कैन लाइक हिम। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट, और अच्छा अटेम्प्ट होने जा रहा है निखिल अडवाणी के डायरेक्शन के ऊपर जरूर, स्क्रीन प्ले के ऊपर भी उतना ही रहेगा। एंड टी सीरीज इज मतलब ये बहुत ही फैंटास्टिक उन्होंने स्टेप लिया है। 15 अगस्त क्लैशेस बहुत है, लेकिन क्लैशेस की बात ना करते हुए सबसे पहले हम कंटेंट ही विनर होगा ये तो दिखेगा। इस कंटेंट को भी आप सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इट इज अ ट्रू चैंप, दिखने से ट्रू चैंप लगता है, सो कीप सपोर्टिंग इट। उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट उन चीजों पे कीजिए जो आप चाहते हैं, जिस पे हम रिएक्शन दें, और डेफिनेटली रिएक्शन देंगे। टिल देन कीप सपोर्टिंग द ट्रेलर एंड डू लाइक देम, बिकॉज उन्होंने मेहनत की है तो सबसे पहले उनकी मेहनत को सपोर्ट करना बनता है। सो यू गाइज आर ग्रेट एंड कीप सपोर्टिंग अस टू। बाय बाय।